आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। रात्रि में झोपड़ी पर सो रही महिला नायदे बाई पर किया तेंदुए द्वारा किया गया हमला। पैर को जबड़े पकड़कर खींच रहा था तेंदुआ। महिला के चिल्लाने पर पति साय सिंह ने पत्थरों से मारकर तेंदुए को भगाया। महिला के पैर पर तेंदुए के दांत का निशान। बड़वानी जिले के ग्राम कानसूल तहसील पानसेमल की घटना। घायल महिला शासकीय अस्पताल लमे प्राथमिक उपचार के बाद बड़वानी किया गया रेफर। अस्पताल आकर पानसेमल रेंजर संजय मालवीय ने महिला का जाने हाल। पानसेमल से रविंद्र मराठे की रिपोर्ट। क्या नाम? नितिन शिपोले। हाँ, तो कहाँ की घटना आई? ग्राम कांसुल गोपाल राव हिम्मतराव पाटिल इनके खेत में मजदूर थे। रात 12 बजे सोए थे। रात 12 बजे सोए थे, अचानक से तेंदुआ आया और इनको पकड़ के ले गया। पैर पकड़ के ले गया। किसके खेत में हुआ है? ये गोपाल राव हिम्मतराव पाटिल। गोपाल पाटिल। अच्छा, ये जो खड़े आपके साथ कौन है? ये उनके पति है, नायडू भाई के पति साय सिंह। अच्छा, पहले आपने वन विभाग को सूचनाएं दी थी क्या? सूचना की वन विभाग द्वारा कहा गया स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करो, हम वहाँ पहुँच रहे। अच्छा, तो इन्होंने आपको क्या क्या बताया? यार, रात में तेंदुआ आया और तेंदुआ पकड़ के ले गया हमारे चिल्लाने से और पत्थर मारने से वो छोड़ के भाग गया। अच्छा, खींच के ले जा रहा था? खींच के ले जा रहा था। अच्छा, किसने पत्थर मारे? साई सिंह भाई और उनके एक साथी ने। अच्छा, फिर आपको किसने बताया? इनका फोन आया, फिर इनको हमने कहा आप अस्पताल पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। सर, बार बार हमले हो रहे कांसुल ग्राम में और आज रात को तो महिला पर ही हमला कर दिया तेंदुआ ने, तो प्रशासन वन विभाग क्या कार्रवाई करेगा आगे? देखिए, वन विभाग में हमने अपने पिंजरे लगाए हुए हैं, पूरी हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। इसके बाद भी अगर ऐसी घटना बढ़ रही है तो हमने DFO साहब को लिखा है और अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो हम भोपाल से इसको बेहोश करके पकड़ने वाली टीम बुलाएंगे। सर, पहले भी बहुत आवेदन दे चुके हैं। हाँ, आवेदन आपके आवेदन पे हमने कार्रवाई की है, DFO साहब को कर दिया है, तो DFO साहब की आगे कार्रवाई DFO साहब को करनी है। आए दिन मतलब किसान शिकायत कर रहे हैं, कभी बकरी तो कल कभी कुत्ता, तो उसका जल्दी इलाज का कुछ करेंगे। जी सर।